और आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हर किसी को काफ़ी वक्त से इंतज़ार था। फिल्मी दुनिया के सितारे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आज वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों आज एक दूसरे के साथ फेरे लेंगे। मुंबई के पाली हिल स्थित अपने घर वास्तु अपार्टमेंट में दोनों की शादी की सभी रस्में पूरी हो जाएंगी। दोनों की शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि कृष्णा राज बंगले से वास्तु अपार्टमेंट तक बारात ले जाई जाएगी। आलिया की मम्मी सोनी राजदान और बहन शाहीन हल्दी की रस्म के लिए वास्तु अपार्टमेंट पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर रणबीर कपूर की मम्मी नीतू कपूर और बहन निदिमा भी पहुंच गई हैं। इन दोनों की शादी की रस्में 13 अप्रैल से ही शुरू हो गई थी। मेहंदी की रस्म में रणबीर की मम्मी नीतू कपूर, बुआ रीमा जैन, बहन रिदिमा और दूसरी तरफ से आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट, बहन पूजा भट्ट, शाहीन और भाई राहुल भी शामिल हुए। इसके साथ ही साथ करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, अरमान जैन, करण जौहर, अनुष्का रंजन, श्वेता बच्चन सहित कुछ अन्य सेलिब्रिटी भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि आलिया की मेहंदी की रस्म के दौरान करण जौहर रोने लग गए क्योंकि वो आलिया को अपनी बेटी मानते थे। शादी में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस शादी में ख़ास सिर्फ 25 से 30 मेहमानों को ही बुलाया गया है, जिसके बाद भी शादी में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुंबई की बेस्ट सिक्योरिटी फोर्स 911 एजेंसी को दी गई है। सिक्योरिटी के इतने सख्त इंतज़ाम हैं कि शादी में आने वाले मेहमानों के भी मोबाइल कैमरों पर टेप लगाया जाएगा, जिससे कोई भी शादी के फ़ोटो क्लिक न कर सके। इस शादी में मेहमानों की सुरक्षा के लिए 250 से भी ज़्यादा बाउंसर्स तैनात किए जाएंगे। शादी में खाने के लिए दिल्ली और लखनऊ के स्पेशल शेफ्स को हायर किया गया है। शादी में कई तरह के खाने रखे गए हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के होंगे। सूत्रों का कहना है कि रणबीर सिंह ने जूता चुराई के रस्म के लिए भी बजट निर्धारित कर रखा है। वो आलिया भट्ट की सहेलियों को 1,00,000 रुपया जूता चुराई की रस्म के तौर पर देंगे। मुंबई से हमारे संवाददाता इब्राहिम सर्राफ की रिपोर्ट।